أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ीशान अली आपको अपने चैनल ज़ेडर वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अपने किचन में मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे जिसमें आलू, गाजर, मटर और गोभी की सब्ज़ी है। और इस सब्ज़ी को तैयार करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। मिक्स सब्ज़ी तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और सब्ज़ इलायची, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, गोभी, मटर, गाजर और आलू। आइए अब आपको हम तैयार करके बताते हैं। अभी हम सबसे पहले सब्ज़ी बॉईल करेंगे, इसको हमने हाफ बॉईल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हांडी चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। सब्ज़ी बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सबसे पहले आलू ऐड करते हैं। गाजर, मटर, गोभी। अभी इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। सब्ज़ी को हमने हाफ बॉईल करना है क्योंकि इसके बाद ये मसाले में भी तैयार होगी, उसमें भी इसने फ्राई होना है, तो इसलिए हम सब्ज़ी को हाफ बॉईल करेंगे, फुल बॉईल नहीं करना। अभी हम इसको कवर कर देते हैं और इसको फुल हीट पे 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मसाला तैयार करने के लिए हांडी चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। अभी सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी अब इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है आज सब्ज़ी के लिए, तो इसको हम अभी 5-6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। माशाल्लाह प्याज हमारा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। अभी अब इसमें ज़ीरा और सब्ज़ इलायची ऐड कर लेते हैं। अब
अभी प्याज को हमने मज़ीद लाइट ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी इसको हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मिक्स कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ये भी ऑयल में अच्छी तरह जज़ब हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। अभी हम इसको कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें टमाटर और सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको। टमाटर और सब्ज मिर्च को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से ऑयल में जज़ब हो जाए और गल जाए। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हम अपनी सब्ज़ी चेक करते हैं। माशाल्लाह सब्ज़ी हमारी अच्छी बॉयल हो रही है। अभी इसको मज़ीद हमने 4 से 5 मिनट पकाना है, उसके बाद चेक करेंगे। माशाल्लाह टमाटर भी गल चुके हैं। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च, हल्दी, नमक। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मसाला हमारा पक चुका है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा नीचे ना लगे। और मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो है वो पानी सूख जाए। उसके बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी हम अपनी सब्ज़ी चेक करते हैं कि सब्ज़ी हमारी कितनी बॉयल हुई है। तकरीबन हमारी हाफ बॉयल हो चुकी है। सब्ज़ी हमारी हाफ बॉयल हो चुकी है। अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं और जैसे ही मसाला हमारा तैयार होगा हम सब्ज़ी को मसाले में ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें बॉयल की हुई सब्ज़ी ऐड करेंगे। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं।
मसाला हमारा बहुत अच्छा मिक्स हो चुका है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मज़ीद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी बॉयल थी। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगी। बस मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे और तो उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। चूल्हा अभी हम बंद कर देते हैं। अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेते हैं। गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। कैसी लगी काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।